दोस्तों, ये सच्ची कहानी है इटली की। एक बार इटली के एक मशहूर चित्रकार जियोवनी ब्रोगोलिन ने द क्राइंग बेबी की एक पेंटिंग बनाई थी, जो कि इतनी ज्यादा मशहूर हुई थी कि शहर के सभी लोग उस पेंटिंग को खरीदने लगे और अपने घर में सजावट के तौर पर लगाने लगे। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो अब शुरू होती है। दोस्तों, यह पेंटिंग इतनी ज्यादा रहस्यमय थी कि जिस भी व्यक्ति ने इस पेंटिंग को खरीदकर अपने घर में लगाया था, उन सभी व्यक्ति के घर में आग लग गई, जिसका पता कभी नहीं चल पाया कि ये आग लगी तो लगी कैसे। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह नहीं है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह है कि जिन जिन लोगों के घर में आग लगी थी, उन लोगों के घर की सभी वस्तुएं जल गई थीं, लेकिन वह द क्राइंग बेबी की पेंटिंग किसी भी व्यक्ति के घर में नहीं जली थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद भी जिस भी व्यक्ति ने उस पेंटिंग को अपने दूसरे घर में लगाया, उनका वह नया घर भी रहस्यमयी तरीके से जल गया। लेकिन वह पेंटिंग नहीं जली, बहुत से ऐसे हादसे होने के बाद शहर के सभी लोगों ने मिलकर उस शहर में जितनी भी द क्राइंग बेबी की पेंटिंग थी, उन सभी को वहां के प्रसिद्ध हेलोवीन त्योहार के अवसर पर अधिक से अधिक प्रतिलिपि जला दी। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो लोग द क्राइंग बेबी की रियल पेंटिंग को नहीं जला पाए। लेकिन सभी प्रतिलिपि जलाने के बाद शहर में हादसे होना कम हो गए। तो दोस्तों, ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल VPH Stories को और घंटी का बटन दबाना ना भूले, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।